La la pot que pot la. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडस सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि अम्रु, विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनस पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो ही जो ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमरुत लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बैक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरे एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को डिफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निर्डाता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह जैसे बॉलीवुड में, आज आम फिल्मों में को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सल अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी फाई के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉट टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्त तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पे के उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल केसिंग ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगाटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि अम्रु, विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ है जहाँ पर स्टोरी राइटर में सुदीप तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स टी राइट थो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को टली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड मेंट को एक ग्लोफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फाश करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सल और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलियड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हिट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पर आप ऑफिशियली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो आ, थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारियू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल केसिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमृत लाल ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन ही जो डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल अमृतलाल अमृत शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीजें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स थो जी फाइव ओ टी वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को

स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी आ, तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो हज़ार चौबीस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्त तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ है नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है था फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुरदीप तो सेहनी जो है डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में आ, सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल अमृतलाल अमृत जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बेक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरे एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएटरिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉस था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स टी थे जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को डेफेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ़ की गई थी जिस निर्डरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दाफाश करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलैट और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म फिल्मम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन 15 करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए है जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो और दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में नीलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगनसा विश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारियू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसानी ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने कहा जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसान पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तोसेन ही जो है डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में अ तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल साहब जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरी एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निर्डरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में में आज आम फिल्मों नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास्ट करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डिरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी या तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ ख़ास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म स्थे। में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल केसिंग ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगाटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियल अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो ही जो ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल अमृतलाल अमृत शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बैक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल लाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ प्रेम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो हज़ार चौबीस को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दाफाश करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और नक्सल की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीजें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन क्या हुआ था वो भी तारीफ़ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजन्स के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहां व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस इस फिल्म फिल्म ने ने एक एक अच्छे खासे टाइम की की साथ व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाईटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन कर सकते हो जहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बस्तर धन नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहां पर आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन 15 करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ ख़ास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म uh, के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वन्या रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन विश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारियू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगाटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है, है। तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल साह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बेक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल लाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरी एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया है जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स टी राइट थे जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में जैसे नक्सलैट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोइा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन किया हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलियड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आप ऑफिशियली देखना है तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्प् तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने किए है जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो और दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारयू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ अनामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाना ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनस पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो जो ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ है जहाँ पर स्टोरी राइटर में सुदीप तो भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीजें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीबन करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स जी फाइव ओ टी टी वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफ़िनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ़ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ़ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ़ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में जो नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और आइटवार की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फ़िल्म लिया मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदाह शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राघुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ ख़ास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन विश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारयू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल केसिंग ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ अनामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबककर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि अम्रु, विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनस पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो ही जो है डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल अमृतलाल अमृत शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बैक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल लाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरी एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीब करीबन पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीबन करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट थो जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में को एक ग्लोरीफाई किया जाता था इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोइा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी या तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉट टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्त तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्त तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडसर सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने की हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो आ, थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि अम्रु, विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ है जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बिक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल लाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स जो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को फिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ़ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास्ट करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सल और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से उसके स्क्रीन प्ले डायरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म फिल्मम बजट के साथ काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी आ, तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हिट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी फाई के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में नीलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमर विपुल अमृत लाल शाह ने कहा जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनस एंड पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून दो हजार तेईस में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेहनी जो है डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल साह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बेक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरी एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फ़िल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई एम पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीबन करीबन 35 लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे जी फाइव ओ टी वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को

स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी या तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्स इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्त तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल झा के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राघल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने कि हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो आ, थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका तो रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में नीलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है राइमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगनसा विश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथर्वा सावंत ने इस फिल्म में सारियू का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है गोपाल केसिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ अनामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमर विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपोजी सनसान पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेहनी जो डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृत लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ है जहाँ पर स्टोरी राइटर में सुदीप तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल साहब जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरे एक सिंगल टाइम लाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ राइट्स टी राइट थे जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निर्डरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलिइट और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी या तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उन रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी फाई के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉट टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन 15 करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक् के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रहीमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल केसिंग ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनित का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन ही जो डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ है जहाँ पर स्टोरी राइटर में सुदीप तो सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सल के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीजें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीबन करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स वो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निर्डरता के साथ चीजों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास्ट करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीजें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डिरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पर आप ऑफिशियली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप् तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन 15 करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ही फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने की हुई जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में नीलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वन्या रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारियू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है जब फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की वो जून दो हजार तेईस में फिल्म लेके आ रहे जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तोसेन ही डिरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ जहां पर स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन सेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल साहब जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरी एक सिंगल टाइम के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन 15 मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ राइट्स टी राइट थो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफ़िनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ़ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और मोइा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन किया हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी आ, तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्त तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्त तो सेन और अमृत अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए है जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर अ... त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनस पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो जो ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल अमृतलाल अमृत शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट थे जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म वो वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो हज़ार चौबीस को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ़ की गई थी जिस निर्डता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फाश करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोइा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन किया हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी फाई के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम के साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को नाथ झा सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्तो सेन और अमृत अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरिजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में निलिन मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रैमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया हुआ है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सारू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदु भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगडकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ नामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में अलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि अम्रु, विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो सेन जो जो डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ है जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीजें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीब पंद्रह मार्च दो को थिएटर में रिलीज किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो हजार वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीब करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पर इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो जी फाइव ओ टी वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निर्डरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में में आज आम फिल्मों नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास्ट करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सलाइट और अमोस्टा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी आ, तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पर एक अच्छी व्यवरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वो टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पे आप ऑफिशियली इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे बस्तर द नक्सल स्टोरी ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ सुदीप्तो सेन ने जिन्होंने इससे पहले केरला स्टोरी जैसी फिल्म को बनाया हुआ था इस फिल्म की कहानी को अमरनाथ झा सुदीप्त तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह के द्वारा तैयार करवाया गया था स्टोरी आइडिया ओरिजिनली सुदीप्त तो सेन और अमृत ला, अमरनाथ लाल का था झा झा का था इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन 15 करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव जाधव ने किए हुए जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो आ, थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन uh, पिक्चर्स के ऑफिशियल uh, प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में नीलिन मिलिंद कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वनिया रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगटकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ अनामिका तिवारी ने बारूणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया हुआ है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म फी में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल अमृत अम्रु, विपुल अमृत लाल शाह ने जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो ही जो ही डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलाब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप तोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे विपुल अमृतलाल लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 19 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिग टू बिग शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कम्प्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस पूरे एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉस था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन करीबन करीबन पैंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया अपने सेकंड वीक के अंदर एक करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया में एक एक करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था जहाँ पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो जी फाइव ओ प्लेटफॉर्म वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ की गई थी जिस निडरता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में, आज आम फिल्मों में को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा करके दिखाया था वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सल और मोइा की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह जैसे जो चीज़ें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन क्या हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म मिनिमम बजट के साथ काफी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलिड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजन्स के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉट टाइम की साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्स कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली

इस फिल्म को विपुल अमृत लाल शाह ने करीबन पंद्रह करोड़ के बजट में सनसाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया था जी द्वारा के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था सेंसर बोर्ड की तरफ से एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था एक मिनट का रन टाइम फिल्म का सेंसर करवाया था जहाँ पे दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई थी इस फिल्म के कास्ट में अदा शर्मा इंदिरा तिवारी और विजय कृष्णा जैसे एक्टर्स लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी राहुल दारोवान ने एडिटिंग है वो देवराव यादव ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक घंटे सॉरी दो घंटे चार मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में विशाख ज्योति के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज़ किए हुए हैं इस फिल्म के म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो सनसाइन पिक्चर्स के द्वारा इस फिल्म के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया था वैसे इस फिल्म में कुछ खास गाने हैं नहीं लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है जो, जो दूसरे सभी जो थीम सॉन्ग है वो सभी चीज़ें वो भी रिलीज़ करवाई गई थी वो सभी चीज़ें सनसाइन पिक्चर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही रिलीज़ करवाई गई थी उन्होंने ही रिलीज़ किया हुआ था अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो अब हम कहानी के सॉरी इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत कर लेते और इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग स्पेक है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपको अदा शर्मा लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने आई पी एस निरीजा माधवन का रोल प्ले किया हुआ है इंदिरा तिवारी ने रत्ना का रोल प्ले किया हुआ है विजय कृष्णा इस फिल्म में लंका रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला ने नीलम नागपाल का रोल प्ले किया हुआ है यशपाल शर्मा को उत्पाल त्रिवेदी का रोल मिला हुआ था सुब्राट दत्ता ने इस फिल्म में मिलिन कश्यप का रोल प्ले किया हुआ है रायमा सेन ने वन्या रॉय का रोल प्ले किया हुआ है अंगन साह बिश्वास ने इस फिल्म में लक्ष्मी का रोल प्ले किया है किशोर कदम ने इस फिल्म में राजेंद्र कर्मा का रोल प्ले किया है संजय बोरकर ने इस फिल्म में गायनेकोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया हुआ अथरवा सावंत ने इस फिल्म में सार्यू का रोल प्ले किया हुआ है गोपाल के सिंह ने श्रीवास्तव का रोल प्ले किया हुआ है पुरेंदू भट्टाचार्य ने इस फिल्म में नारायण बागची का रोल प्ले किया हुआ है नमन जैन ने इस फिल्म में रमन का रोल प्ले किया हुआ है विकास शुक्ला को डॉक्टर अजय का रोल मिला हुआ था अभी कल्प गंगडकर ने इस फिल्म में करतम का रोल प्ले किया हुआ है नामिका तिवारी ने बारुणा का रोल प्ले किया हुआ है गादली जैन ने इस फिल्म में यमुना नागर का रोल प्ले किया हुआ है समीर त्रिंबकर ने इस फिल्म में मेल जज का रोल प्ले किया है सुकन्या दंदा ने इस फिल्म में फीमेल जज का रोल प्ले किया है निधि रसाने ने इस फिल्म में रामा का रोल प्ले किया है प्रियंका राज ने इस फिल्म में आलोक पुनीत का रोल प्ले किया है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डेवलपमेंट की शुरुआत है वो फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि विपुल विपुल अमृत लाल शाह ने कहा जब केरला स्टोरी सक्सेस हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था उनके प्रोडक्शन कंपनी सनसाइन पिक्चर्स के नीचे जहाँ पे बताया गया था कि वो जून 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी कि वो इस एक फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका टाइटल होने वाला है बस्तर और इस फिल्म को भी सुदीप तो से ही नहीं जो है डायरेक्ट करने वाले तो विपुल अमृतलाल लाल शाह और सुदीप सोसेन के बीच में सेकंड कोलोब्रेशन हुआ जहाँ पे स्टोरी राइटर में सुदीप सोसेन भी जुड़े हुए थे और क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर विपुल विपुल अमृत लाल शाह जुड़े हुए थे इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो उन्नीस अक्टूबर दो को स्टार्ट करवाई गई और मुहूर्त पूजा के दिन ही इस फिल्म का पहला शेड्यूल स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के बिक टू बैक शेड्यूल्स के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हुआ था इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से नक्सलाइट के ऊपर बेस्ड रखी हुई है जहाँ पे किस तरह से कैसे क्या चीज़ें कैसे क्या घटनाएं घटी थी उसके इस गीत पूरी एक सिंगल टाइमलाइन के साथ इस फिल्म की कहानी को दिखाया हुआ है इस फिल्म को प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ नहीं मिली थी कुछ रीजंस के चलते वैसे इस फिल्म को करीबन करीबन पंद्रह मार्च 2024 को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था जब ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला जहाँ पे क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जिसके चलते इस फिल्म ने आई पे अभी तक करीबन दो वोट हासिल किए हुए जिसमें छः की रेटिंग हासिल हुई है दस में से बस्तर फिल्म है उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले दिन करीबन करीबन 35 लाख का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में अपने पहले वीक के अंदर कलेक्शन करोड़ तीस लाख का नेट कलेक्शन दर्ज किया हुआ था, तो था। जहां इस पे इसका ग्रोस होता है एक करोड़ पचपन लाख और इसमें चौबीस लाख तक का ग्रोस कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया तो पंद्रह करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ और अस्सी लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे फिल्म फेल साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स थे जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इस फिल्म को ऑफिशियली सत्रह मई दो हज़ार चौबीस को प्रीमियर करवाया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म के एक्टर्स की तारीफ की गई थी जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट लाए हुए थे उसकी तारीफ़ की गई थी जिस निडता के साथ चीज़ों को दिखाया हुआ था उसकी तारीफ की गई थी जिस तरह से जैसे बॉलीवुड में आज आम फिल्मों में नक्सलाइट को एक ग्लोरीफाई किया जाता है इस फिल्म में जिस तरह से उसका एक रियल पर्दा फास करके दिखाया था वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई हुई थी और नक्सल और की जो इस फिल्म में छत्तीसगढ़ में और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जो चीजें हुई थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को जो बेस किया हुआ था उसमें जिस तरह से स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन किया हुआ था वो भी तारीफ की गई थी टेक्निकली ये फिल्म लिए मिनिम बजट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ों को दिखाने में कामयाब रही थी और इस फिल्म ने को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहाया हुआ था वैसे इस फिल्म के साथ जो क्रिटिक्स थे एलियड क्रिटिक्स थे जो क्रिटिक्स को वैसे भी इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती जो हमेशा जैसे कि केरला स्टोरी ले लो या फिर इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी तो तास्किन फाइल थी ऐसी फिल्मों को ये लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनको वैसे भी हेट फैलाना रहता है तो उनके रीजंस के चलते उन्होंने एक मिक्स थ्रू नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ था वैसे देखा जाए तो इमोशंस के हिसाब से फिल्म को अच्छी तरह से बनाया हुआ था आप डेफ़िनेटली इस फिल्म को देख सकते हो जहाँ पे जी फाई के द्वारा जब इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया तो वहाँ पे एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल की हुई है इस फिल्म ने एक अच्छे खासे वॉच टाइम की आ, साथ इस फिल्म ने एक व्यूअरशिप हासिल की हुई है अभी फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो जी फाई ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में ऑफिशियली अवेलेबल किया हुआ है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म आपको फिलहाल में ऑफिशियली जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में वहाँ पर आप ऑफिशियली इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे तो बस गए बस्तर द नक्सल दा फिल्म के ऊपर जो नक्सल स्टोरी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक जानकारी दी हुई है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दिए फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में भी बातचीत कर ली है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एसपे के वो भी मैंने शेयर कर दिए है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और भी इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू